हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो थोड़ा लेट है, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर फाइनली अब थोड़ा फ्री हुई हूँ तो ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने गुरुग्राम NCR साइबर पार्क पर बनाया था। मैं न्यू ईयर के टाइम पर मेरे हस्बैंड के भैया भाभी के घर गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे नाइट आउट का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं नीचे पार्किंग में, साइबर पार्क में चलने के लिए। एंड गाइस सीरियसली, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब हम फाइनली साइबर पार्क में एंटर होने वाले हैं। सही दिखेगा आज के ब्लॉग और ये अब हम साइबर पार्क के अंदर हैं। इसमें काफ़ी सारी MNC कंपनीज बनी हुई हैं एंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं। एंड गाइस, आप ये जो डेकोरेट किया हुआ रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल घूम के साइबर पार्क में एंटर होता है। ये हम आ गए हैं मॉल के अंदर। और यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, आप लोग भी कीजिए। और ये है फाइनली साइबर पार्क। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था और वो सारे रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये लेफ्ट साइड में मेरी भाभी, राइट साइड में मेरे भैया और बीच में मिस्टर हस्बैंड चल रहे हैं। और गाइज, ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना रखा था जो कि फोटोग्राफी के लिए था और यहाँ पर इतना रश था कि मेरा नंबर 15 मिनट्स बाद आया, वो भी बिल्कुल कॉर्नर पर। और ये अब हम फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ की डेकोरेशन देखकर ही मज़ा आ जाएगा। और फिर हमने थोड़ी पेट पूजा करी।
यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर फ्लावर बेड्स बनाए हुए थे। और गाइज यहाँ पर खाने की, शॉपिंग की इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और इसके बाद हम डिनर के लिए एक दूसरी जगह आए थे जिसका नाम ग्लेरिया मार्केट है। ये भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर ये क्रिसमस के लिए एक सेटअप बनाया हुआ था। और थोड़ी पेट पूजा हमने यहाँ पर भी की। दिल्ली एनसीआर के खाने की बात ही कुछ और है, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये हम वापसी घर की तरफ बढ़ते हुए, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए हॉल वीडियो या ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।